नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ कूलिंग सिस्टम। आज मैं कूलिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझाऊंगा, कूलिंग सिस्टम में उपयोग होने वाले पार्ट्सों को समझाऊंगा, उनकी वर्किंग भी समझाऊंगा, कूलिंग सिस्टम की नीड समझाऊंगा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझाऊंगा, कूलिंग सिस्टम कितने टाइप्स के उपयोग होते हैं वह भी मैं समझाने वाला हूं। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो भी मैं समझाऊं उसको ध्यान से सुनना है और अंत में वीडियो को लाइक करना है। अब चलते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ है कूलिंग सिस्टम। इन्हीं दोनों वर्डों से समझने की कोशिश करेंगे कूलिंग सिस्टम क्या होता है। पहला वर्ड लिखा हुआ है कूलिंग। कूलिंग का नॉर्मल हिंदी मीनिंग होता है ठंडा करना। अब यहां पर हम बात करेंगे आईसी इंजन की। किसकी बात कर रहे हैं, किसके कूलिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं? आईसी इंजन की। आईसी इंजन का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, इंटरनल कंबसन इंजन, जिसका मतलब होता है इंजन के अंदर फ्यूल जलता है। नॉर्मल इंटरनल कंबसन के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा फ्यूल होता है पेट्रोल या डीजल, वह इंजन के अंदर जलता है, उससे हीट जनरेट होती है, वह हीट किसमें मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। अब यहां पर हमने क्या समझा, हमारा फ्यूल जलता है और उससे हीट जनरेट होती है। जब इंजन के अंदर हीट जनरेट होगी, फ्यूल जलेगा, तो इंजन का टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, इंजन के अंदर जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो एक दूसरे के किसी टच में रहते हैं, जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन की स्थिति में, वह भी जब घूमते हैं तो उनके बीच में भी क्या हीट जनरेट होती है, उससे भी इंजन गर्म होता है। मतलब दो तरह से हमारे इंजन के अंदर हीट जनरेट होती है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अब उसके टेम्परेचर बढ़ता है, उससे हमारे इंजन को बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, इंजन जल भी सकता है, ठीक है, और भी इंजन की इफिशियंसी भी कम हो सकती है। इसी तरह जो इंजन के नुकसान होने वाले हैं हीट जनरेट होने से या टेम्परेचर बढ़ने से, उन सबको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। और कूलिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं, उस इंटरनल कंबसन इंजन की टेम्परेचर, इंटरनल कंबसन इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब कूलिंग तो आप समझ गए होंगे कि कूलिंग का मतलब यहां पर क्या है, इंजन को ठंडा करना या इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब सिस्टम जो वर्ड यूज होता है, सिस्टम कैस क्यों यूज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कूलिंग सिस्टम में जो पार्ट्स हम यूज करते हैं, जिन पार्ट्सों से मिलकर ये सिस्टम बनता है, जिन पार्ट्सों के कलेक्शन से सिस्टम बनता है, जैसे कि रेडिएटर हो गया, वाटर पंप हो गया, फैन हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, इस तरह ये जो पार्ट्सों का कलेक्शन है पूरा, जिससे हम इंजन को ठंडा करते हैं या इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वह पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, कूलिंग सिस्टम। अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कूलिंग सिस्टम क्या होता है और क्यों उपयोग करते हैं। अब इसमें सबसे अच्छा समझ में जब आता है, जब हम इसके डायग्राम को समझेंगे, उससे हम थोड़ा सा इसकी वर्किंग समझेंगे और जो इसमें पार्ट्स यूज हो रहे हैं, जो मैंने अभी नाम बताए, उनका इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल कूलिंग सिस्टम, आज जो मैं टॉपिक लिया हुआ है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू इसके कौन कौन से पार्ट्स इसमें उपयोग होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सामने आपको एक डायग्राम यहाँ पर ये दिख रहा है, इसके थ्रू मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा कूलिंग सिस्टम इंजन के अंदर कैसे वर्क करता है, कैसे इंजन को ठंडा करके रखता है, जिससे कि हमारा इंजन गर्म ना हो और उसमें जो उपयोग होने वाले पार्ट्स ना जले और हमारे इंजन को नुकसान ना हो। तो जैसे कि हम पार्ट्स यहाँ पर दिखा दें, एक रेडिएटर लिखा हुआ है जो मेन पार्ट्स यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा प्रेशर रिलीफ कैप बना हुआ है, थर्मोस्टेट बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पंप यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, इसको पंप बोलते हैं, फैन लगा हुआ है। इन सभी को पहले, सबसे पहले इन पार्ट्सों का इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि यहाँ पर इनका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पंप। यहाँ पर एक देखो, जहां मैं एरो चला रहा हूँ वहां पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर एरो बना हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है पंप। ठीक है, पंप का आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हमें हाई वेलोसिटी से या कह सकते हैं वाटर को सर्कुलेट कराना है कहीं, ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा पंप है वाटर को सर्कुलेट करने का काम करता है जैकेट के अंदर। अब जैकेट क्या होती है, जैकेट क्या होती है, पतली पतली पाइप के रूप में बनी जाती है इंजन के अंदर, जिसमें क्या वाटर सर्कुलेट होता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, तो ये पंप लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ये पंप होता है जहां पर मैं एरो चला रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लगा हुआ फैन, यहाँ पर लगा हुआ फैन। फैन क्या करता है, जो रेडिएटर से हवा आती है उसको खींचता है अंदर की ओर, और उस हवा को क्या करता है, इंजन के ऊपर फ्लो में भेजता है। इंजन के ऊपर हवा को क्यों भेजता है, जिससे कि इंजन थोड़ा ठंडा रह सके और उसके टेम्परेचर मतलब मेंटेन हो सके। ठीक है, ये हो गया फैन का काम। यहाँ पर रेडिएटर लिखा हुआ, रेडिएटर,
रेडिएटर का नॉर्मल वर्क देखें तो हीट एक्सचेंज करने का काम करता है। इसके अंदर भरा रहता है वाटर, क्या रहता है, वाटर भरा रहता है, ठीक है। और वाटर सर्कुलेट भी होता है, वो मैं अभी समझाऊंगा। इसके अंदर वाटर भरा रहता है तो वाटर जब भी क्या होता है, इंजन में सर्कुलेट होके इसके अंदर गर्म वाटर आता है, तो यहाँ से जो एयर बाहर से फ्लो होती है रेडिएटर के अंदर, वह एयर से कॉन्टेक्ट करके अपनी हीट को एक्सचेंज कर लेता, मतलब गर्म हीट को क्या बाहर और ठंडी हीट अंदर आती है। क्योंकि हम जानते हैं जो भी होती है हाई टेम्परेचर की ओर, हाई टेम्परेचर और जो लो टेम्परेचर होता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ऑटोमेटिक तरीके से हीट ट्रांसफर होने लगती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, इधर बाहर की ओर क्योंकि टेम्परेचर लो रहता है तो उधर की ओर क्या होगी, हीट ट्रांसफर होने लगेगी, उससे हीट एक्सचेंज करेंगी और जो हमारे अंदर वाटर फ्लो हो रहा हुआ है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि वह गर्म होकर आता है इंजन में सर्कुलेट होकर, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पंप हो गया थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है, एक किस्म का एक वाल्व होता है और जो हमारा वाटर फ्लो होता है, ठीक है, उसको वाटर एयर का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करके रखता है, ऐसा बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। मतलब वाटर को कब सर्कुलेट कराना है कब सर्कुलेट नहीं कराना है, ये थर्मोस्टेट के ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर रिलीज कैप है, जैसा प्रेशर मतलब इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको रिलीज करने के लिए यहाँ कैप लगा रहता है, और यहीं पर एक कैप भी होता है जिससे हम वाटर इसके रेडिएटर के अंदर भरते हैं। अब थोड़ी सी वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। ये रेडिएटर के अंदर क्या होता है, हमारा वाटर भरा रहता है, ठीक है। अब दूसरा थर्मोस्टेट है, यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, जब इंजन हम स्टार्ट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस टाइम क्या होता है, इंजन हमारा ठंडा होता है, सभी लोग जानते हैं इंजन ठंडा होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है। तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, खुलता नहीं है, क्लोज रहता है, क्लोज रहता है और हमारा वाटर सर्कुलेट इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि उस टाइम इंजन ऑलरेडी ठंडा रहता है, तो हमारा इंजन स्टार्ट होता है, जैसे इंजन स्टार्ट होता है वह गर्म होने लगता है, जब गर्म होने लगता है तो ऑटोमेटिक तरीके से चलता है थर्मोस्टेट, वह ऑटोमेटिक तरीके से क्या होता है, ओपन हो जाता है। जब ओपन हो जाता है तो वाटर सर्कुलेट इसके अंदर होने लगता है रेडिएटर से, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, रेडिएटर सबसे पहले नॉर्मल वाटर भरा हुआ है, यहाँ से एयर दिख रहा है, यहाँ से ये रेडिएटर बना हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से वाटर आया अंदर की ओर आया पाइप के थ्रू, और जो हमारी हमने बताया जो जैकेट बनी रहती है, ये हमने क्या एग्जाम्पल लिया, ये जो सिलेंडर टाइप के बने हुए ये सब इंजन का एग्जाम्पल है, मतलब जो हमारे इंजन के रूप में बताया कि कैसे वाटर इंजन के अंदर सर्कुलेट होता है, इनमें जो भी फिन्स है जो भी जैकेट लगी रहती है, तो हमने किया ठंडा वाटर हमारा इंजन के अंदर सर्कुलेट रहा है, ये जो वाटर के एरो बने ये जा रहे हैं, मतलब धीमे धीमे इंजन के अंदर सर्कुलेट हो रहा है और उनका कलर चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जब दिख रहा है जब इंजन के अंदर पूरी तरह सर्कुलेट होकर जब बाहर निकलता है तो एकदम से वाटर का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंजन गर्म है उसके अंदर से हीट क्या करता है, लेता है, क्योंकि जैसे कि इंजन गर्म है वाटर ठंडा है तो वाटर गर्म होने लगेगा, मतलब उसकी हीट को रिसीव कर लेगा, ठीक है, रिसीव कर लेगा तो आगे फिर वाटर गर्म कहाँ, सीधा जी हमारा थर्मोस्टेट से होकर भी फिर से कहाँ आएगा, रेडिएटर के अंदर आएगा। रेडिएटर के अंदर गर्म वाटर क्या करेगा, बाहर से जो एयर आ रही है उस एयर से कॉन्टेक्ट करके क्या करेगा, फिर से उसको हीट मतलब अपनी हीट को क्या रिजेक्ट करके उसकी हीट को, उसकी जो भी एयर ठंडा रहता है उसकी कम टेम्परेचर रहता है उससे कॉन्टेक्ट करके अपने टेम्परेचर कम कर लेता वाटर और फिर से ये कंटिन्यू फिर से अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। ये इस तरह हमारा पूरा सर्कुलेशन इंजन के अंदर होता रहता है और इंजन ठंडा होता रहता है। ये फैन क्या करता है, जो भी इसकी एयर आ रही है जो यहाँ से गुजरी है उसको कलेक्ट करेगा, उसको इंजन उसको कलेक्ट करके अंदर की ओर फेंकता है, अंदर की ओर मतलब इंजन के ऊपर सर्कुलेट कराता रहता है, जिससे इंजन का भी टेम्परेचर और अधिक मतलब न बढ़े। इस तरह ये वर्किंग कंटिन्यू करता रहता है। इन सभी पार्ट्सों के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, रेडिएटर के ऊपर बनता कई बार, उसको मैं स्पेशल डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ नॉर्मल अगर इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कूलिंग सिस्टम पर, तो इस डायग्राम को आप आसानी समझा सकते हैं, जैसा मैंने समझाने की कोशिश की, सभी पार्ट्सों का इंट्रोडक्शन करा दिया है मैंने और इसकी वर्किंग भी समझा दी है, ठीक है। अब इसके बाद कई बार नीड्स पूछी जाती है कि इसकी नीड्स क्या है, तो वो लिखने को आती है, तो वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। और भी अगर पूछा जाता है और एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो यहाँ पर फैन और मोटर एक ही बेड से चलते हैं, ठीक है। फैन और जो मोटर लगी, जो पंप लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी मोटर एक ही क्या किससे चलते हैं, एक ही बेल्ट से चलते हैं, एक ही साथ घूमते हैं, और जनरेटर जो भी इसमें रहता है वो सब कुछ एक ही बेल्ट से घूमते हैं। यहाँ पर ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है। अब चलते हैं नीड्स को भी समझ लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ फंक्शन लिख रखे कि जब जब हमें थ्योरी लिखने की जरूरत पड़े या नोट्स बनाने की जरूरत पड़े तो कैसे लिखें, क्योंकि सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम रहती है कि लिखें कैसे। तो लिखने की थ्योरी मैंने समझाने की कोशिश की, जैसे कि फंक्शन में हमने लिख रखा कि ये जो कूलिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी एक्सेस हीट होती है, मतलब इंजन को जितनी हीट की जरूरत है उससे ज्यादा जो हीट है उसको क्या करता है, एक्सेस करता है, रिमूव करने का काम करता है कूलिंग सिस्टम।
लिखा है इट मेंटेन्स द इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मतलब इंजन जिस टेम्परेचर पर काम करता है, जिस टेम्परेचर पर आसानी से चलता है, जिस टेम्परेचर पर अच्छा एवरेज देता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। इट ब्रिंग्स द इंजन अप टू द राइट ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्यूक इज पॉसिबल, मतलब इंजन को जब स्टार्ट वगैरह करते हैं ठीक है, उस टाइम जिस टेम्परेचर की इंजन जो होते हैं उस टेम्परेचर पर मेंटेन करके उतना तुरंत हमारा क्यूक स्टार्ट होता है और वर्क करने लगता है। ये नॉर्मल हम फंक्शन लिख सकते हैं। अब नीड्स ऑफ कूलिंग सिस्टम की नीड्स की जो की अगर लिखने को आती है तो हम कैसे लिखने, लिखा गेट द इंजन अप टू द ऑप्टिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्यूक एज पॉसिबल एंड मेंटेन टेम्परेचर, मतलब नीड्स क्यों होती है क्योंकि हम जानते हैं इंजन को जब स्टार्ट करना है, जैसे मैंने बताया इंजन बंद है अब हमें अचानक से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट नहीं होता, लेकिन कूलिंग सिस्टम का जैसे मैंने बताया थर्मोस्टेट वगैरह जो बल्ब यूज होते हैं उसकी सहायता से किस तरह इंजन तुरंत स्टार्ट हो जाता है ठीक है और इंजन एफिशिएंट काम करता है, इसलिए हमें कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। कंट्रोल द हीट प्रोड्यूसिंग कंबसन चैम्बर, अब कंबसन चैम्बर के अंदर जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ हमारा क्या ईंधन जो डीजल पेट्रोल जलता है उससे हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होगी तो क्या होगा इंजन गर्म होगा, इंजन गर्म होगा तो हमारे पार्ट्स डैमेज होंगे उस इंजन के, या जो भी हमारी फिन्स हैं पाइप वगैरह लगे हैं फैंस वगैरह ये सब जल जाएंगे, तो उसको जलने से बचने के लिए इंजन गर्म ना हो सबको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसलिए हमें कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। द टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट मस्ट बी मेंटेन विद इन सर्टेन लिमिट, और जो भी हमारे इंजन के पार्ट्स हैं जिनकी एक लिमिट होती है कि इतने टेम्परेचर तक ये काम करेंगे, नहीं तो ये क्या होंगे पिघल जाएंगे मेल्ट हो जाएंगे जल जाएंगे, तो उन सबको भी क्या अच्छी तरह फंक्शनिंग काम कर सके परफॉर्म कर सके उनको भी मेंटेन करने का काम करता है। बकाया हिंदी इंग्लिश में मैंने लिख रखा, आप नोट्स बनाना चाहते हो इसको देख के आसानी से बना सकते हैं। अब डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे टाइप्स सबसे पहले लिख रखे मैं, टाइप्स का मतलब होता है जो हम मीडियम ठंडा करने के लिए या तो एयर का यूज करके ठंडा करते हैं या फिर वाटर का यूज करके, दोनों के आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है, लिक्विड एयर इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम या फिर एयर और डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, इन दोनों के जो टाइप्स हैं उनको मैं समझाऊंगा बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर लिखने को आता कि इसका इंट्रोडक्शन बताइए और इसको इसके टाइप्स समझाइए तो आप आसानी से ये जो जो भी हमें दो तीन लाइन लिख रखी हैं इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अब एडवांटेज की बात करें तो इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है ठीक है, प्रोवाइड्स इवन कूलिंग द इंजन को कूल प्रोवाइड करता है, इंजन कैन बी इंस्टॉल एनी लोकेशन, मतलब इंजन के किसी भी लोकेशन पर मतलब किसी भी जगह पर इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। इट कैन बी यूज इन बोथ स्मॉल एंड ब्रिंग, मतलब छोटे और बड़े इंजन दोनों प्रकार के इंजनों में इसका उपयोग किया जा सकता है कूलिंग सिस्टम। अब इसके डिसएडवांटेज और हैं वो भी समझ लेते हैं। अब इसकी नॉर्मल डिसएडवांटेज जैसे कि इसमें एयर वाटर जैकेट बिकम्स ऑन एक्स्ट, इंजन तो हमारा है ही ऑलरेडी, अब कुछ इस कूलिंग सिस्टम के लिए जो पार्ट्स यूज करते हुए इसमें डिसएडवांटेज में आ जाता है कि हम वो एक्स्ट्रा पार्ट यूज करने पड़ रहा है इंजन के अंदर ठीक है। वाटर सर्कुलेट कंज्यूम पावर, अब वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए जो पंप चल रहा है उसका भी मानना है कि जो भी हमारी पावर है उसमें भी कुछ कंज्यूम होगी, जिससे हमारी कह सकते हैं कि इंजन की कुछ इफिशियंसी कम करेंगे वो ठीक है। और बोलता थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे अगर कूलिंग सिस्टम कहीं अचानक से फेल हो जाता है तो हमारे डैमेज हो सकते हैं इंजन और भी नुकसान हो सकता है, इस तरह आप क्या होता है कॉस्ट ऑफ सिस्टम इज कंसिडरेबली हाई, आप कूलिंग सिस्टम का उपयोग करेंगे तो उसके पार्ट्स वगैरह कूलिंग को सिस्टम को पूरा बनाने के लिए जो भी पार्ट्सों का कॉम्बिनेशन है उसके लिए कॉस्ट लगेगी, तो वह इंजन में जुड़ जाएगी तो उसकी मतलब कॉस्ट भी हाई हो जाएगी। इट रिक्वायर्स रूटीन मेंटेन, उसको मेंटेन करना भी पड़ता है ठीक है, तो उसके लिए मेंटेन कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। हमारी कोशिश थी कि ये कूलिंग सिस्टम अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसको कैसे समझें, कैसे समझा सकें एग्जाम में। उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।